जय श्री कृष्णा। क्या हाल चाल आयु आप सभी के, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कोचिंग सीरीज की जो चल रही है, उसमें एक और कोचिंग ऐड करने वाले हैं रेजोनेंस कोचिंग कोटा का। तो इस जब कोचिंग सीरीज चल रही है उसको आप कहाँ देख सकते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और उसमें प्ले लिस्ट में जाकर देखो, जो जितने एलेन है, अनअकैडमी है, पीडब्ल्यू है, सारे के बारे में वीडियो बना रखा है मैंने मोशन के बारे में, तो प्लेलिस्ट से जाकर देख लो। तो आज हम रेजोनेंस की बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को पहले आप लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास शेयर कर ले और चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस के जेई के फीस स्ट्रक्चर के। तो इसके 2 साल का प्लान का जेई का फीस स्ट्रक्चर एडवांस प्लस मेन्स का, इसका ना इसका पहले बता दूँ कैसे कैसे चलता है। तो इसका फीस आपका बढ़ते जाता है, जैसे नवंबर में लीजिएगा तो सबसे कम फीस रहेगा, दिसंबर में उससे थोड़ा ज़्यादा, जनवरी में उससे थोड़ा ज़्यादा, फरवरी में उससे थोड़ा ज़्यादा, मार्च में उससे थोड़ा ज़्यादा और अप्रैल में उससे थोड़ा ज़्यादा। जैसे जैसे नीचे जाओगे उस वैसे वैसे ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो अभी फरवरी तक का बात करने का कोई सेंस ही नहीं, क्योंकि अभी फरवरी ऑलरेडी 22 तारीख हो चुका है और ये ख़त्म हो चुकी रहेगी। तो मार्च की फीस की बात करते हैं, तो जेई मेन्स प्लस एडवांस के मार्च का फीस आपका पड़ता है रेजोनेंस का टोटल 2,60,000, जिसमें से 57,000 आपका स्टडी मटेरियल, एडमिशन प्रोसेस एंड वेलकम किट में कट जाता है। और उसमें अगर आप स्कॉलरशिप भी लेते हैं तो 57,000 में डिस्काउंट नहीं होता है। और इसका ट्यूशन फीस रहता है 2,03,000, तो उसमें से आपका डिस्काउंट होता है। अगर 2 इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं तो 2,60,000 ही देना पड़ेगा, अगर विदाउट स्कॉलरशिप की बात बाद में करेंगे। अगर आप एक टाइम पे इसका पेमेंट करें तो 2,52,000 देना पड़ेगा आपका एक टाइम पे। चलिए अब बात करते हैं अप्रैल की, तो अप्रैल में आपको देना, इसका बैच डेट अभी क्लियर नहीं है, अब बात अप्रैल की करते हैं, तो अप्रैल में आपको देना पड़ेगा टोटल फीस है 2,70,000, समझ गए ना। इसका भी 57,000 एडमिशन प्रोसेस, वेलकम किट और वगैरह वगैरह का है, और बाकी इसका फीस है 2,13,000 ट्यूशन फीस है। तो चलिए इसमें बात हो गई अप्रैल की और मार्च की फीस स्ट्रक्चर के बारे में 2 ईयर का। अब नीट की बात कर लेते हैं कि इसके नीट में 2 ईयर प्लान का कितना फीस स्ट्रक्चर है। तो नीट का आपका, नीट में भी आपका 57,000 ना लगता है एडमिशन प्रोसेस, वेलकम किट और बाकी सब चीज़ों का। तब उसकी फीस की बात कर लेते हैं, इसकी टोटल फीस है नीट की मार्च वाले की 1,21,000, टोटल फीस है मार्च की 1,21,000। अगर आप इसको एक टाइम पे देते हो तो आपको 1,16,000 पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप अप्रैल में एडमिशन ले रहे हो तो उसका आपका टोटल फीस है 1,26,000, जिसमें से 57,000 अलग है, आपको पहले बता दिया है। तो अगर 1,26,000 अगर आप इसका वन टाइम पेमेंट करते हो तो आपको 1,21,000 ही देना पड़ेगा। चलिए ये सब बातें हो गई फीस की। वन प्लान चाहिए तो आप वन प्लान के लिए कमेंट कर देना, तो मैं उसके लिए बना दूंगा। चलिए तो फीस स्ट्रक्चर की बात हो गई, अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। तो रेजोनेंस के स्कॉलरशिप अप टू 100% है, अप टू 100%, लेकिन ये 4 चीज़ों पे मेनली अपना स्कॉलरशिप देता है। जैसे पहला आपका रेजोनेंस का स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसको रेजोनेट बोलते हैं। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड एग्जाम, 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे देता है, या आपके वेरियस ओलंपियाड होते हैं उसके बेसिस पे देता है ये। चलिए आपको पहले बता दें कि बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे कैसे देता है। तो आपका अगर 12th में या किसी बोर्ड में अगर 75 to 80 के बीच में परसेंटेज आता है तो आपको मिलते हैं 10% का स्कॉलरशिप। अगर 80 से 85% का परसेंटेज आए हैं आपके तो आपको मिलते हैं 20% स्कॉलरशिप। अगर आपको 85 से 90 के बीच में आया है तो आपको मिलते हैं 30% स्कॉलरशिप। अगर आपको 90 से 95 के बीच में आया है तो आपको मिलते हैं 40% स्कॉलरशिप। अगर आपका 95 से ऊपर आया तो आपको मिलता है पूरे 50% स्कॉलरशिप। और अगर आप टॉप 3 है डिस्ट्रिक्ट में पूरे आपने, तो आपको मिलता है आपको 80% स्कॉलरशिप, 75% का स्कॉलरशिप। अगर आप 4 से 15 के बीच में, 4 से 15 के बीच में आप स्टेट में है तो तब आपको मिलता है 90% का स्कॉलरशिप। अगर आप टॉप 3 में है स्टेट के मेरिट लिस्ट में तब आपको मिल जाता है टोटल 100% का स्कॉलरशिप। तो ये बात हो गई आपका बोर्ड एग्जाम पे कैसे, रिजल्ट पे कैसे स्कॉलरशिप मिलता है। रेजोनेंट पे कैसे, भाई सिंपल सी बात है, आप जितने परसेंटेज लाओगे जिस हिसाब से उनका प्रोसेस है उसी हिसाब से आपको मिलेगा ये स्कॉलरशिप। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल हो गया।
अब बात करते हैं अलग से स्कॉलरशिप की। आपको फ्लैट 50% स्कॉलरशिप मिलता है चार चीजों पे। अगर आप नवोदय से भरे हुए हैं, नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय आप जानते हैं, JNV। उसके बाद अगर आप डिफेंस की किसी आपका आप डिफेंस आपके पापा मम्मी कोई अगर डिफेंस में है तो उसमें आपको 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। या आप अगर सिंगल थी पेरेंट्स को, सिंगल पेरेंट्स मतलब जिसकी बस मम्मी बची है वो, तो आपको उसका भी 50% स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो आपको 20 गर्ल्स के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप है रेजिडेंस में भाई। स्पेशल गर्ल्स के लिए है 25% मिनिमम 25% स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स इन रेजिडेंस कोचिंग कोटा। और उसके बाद आपको एक्स्ट्रा 10% एडिशनल 10% स्कॉलरशिप मिल जाता है आपको। अगर आप टीचर के बच्चे हो तो आप गवर्नमेंट टीचर हो या प्राइवेट टीचर हो फर्क नहीं पड़ता, अगर आप टीचर हो तो आपके बच्चे को 10% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। उसके बाद 10% स्कॉलरशिप आपके सिबलिंग्स में मिलता है। अगर आपके रियल सिबलिंग्स रेजिडेंस में पढ़ रहे हैं सेम सेशन में तो भी आपको 10% का स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो ये सारी बातें स्कॉलरशिप की हो गई। चलिए तो अब बात खत्म करते हैं रेजिडेंस के बारे में थोड़ा बता दे। तो ये 2001 का बना हुआ रेजिडेंस है, बहुत ही टॉप लेवल पे था उस टाइम पे। एक टाइम पे ऐसा था कि एलेन रेजिडेंस को एलेन का कंपटीटर माना जाता था फेस टू फेस सामने से, फिर इसका थोड़ा सा ब्रेकडाउन आ गया। लेकिन अभी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, बहुत सारा सिलेक्शन भी होता है रेजिडेंस से, तो फीस के हिसाब से भी सही लगता है। आप देख सकते हैं आपके हिसाब से ना, वहाँ पे आप उसके साइट पे जाकर विजिट कर सकते हो, वहाँ पे कोटा में विजिट कर सकते हो उसके सेंटर पे या उसके नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बात खत्म करते हैं रेजिडेंस कोचिंग की। सारे वीडियो आप देखे, थैंक यू, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट करो, कोई और क्यूरी हो तो आपका डाउट हो कुछ भी हो, लव यू ऑल, लव यू, चुम्मी ले लो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ नहीं तो मोदी जी को बुला देंगे, समझ गया ना। चलिए लव यू।